हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल इंग्लिश पेपॉन के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 12th क्लास की इंग्लिश कर रहे हैं, हमने पहले एक वीडियो बना दिया है द लास्ट लेसन का, जिसके अंदर हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करी और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी लेसन से क्वेश्चन आंसर। आज जो हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जो बहुत सारी बोर्ड के अंदर, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, छोटे छोटे क्वेश्चन कई जगह पे पूछे जाते हैं। तो लीजिए सर, हम शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। ये कॉन्टेक्ट नंबर है और आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो होंगे सर सम शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आई थिंक आप सारे बच्चे रेडी हैं, तो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक और कमेंट करके बताइएगा कि आने वाले 30-35 जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल रहे। चलिए सर, स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, मुझे आंसर बताते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में कि हु डज द नरेटर, क्वेश्चन लिखा हुआ है हु डज द नरेटर रेफर टू एज पुअर मैन। यहां पर लिखा हुआ है, समझिएगा क्वेश्चन को कि सर हु मतलब कौन, डज द नरेटर की नरेटर साहब ने रेफर किया है पुअर मैन, मतलब नरेटर बोलने वाला इस लेसन के अंदर आई कौन था, फ्रेंज था। तो फ्रेंज ने पुअर मैन किसको कहा कि सर फ्रेंज ने पुअर मैन तो हमारे गुरुजी को कहा था जिनका नाम था एम हेमल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा कि हु डज द नरेटर रेफर एज पुअर मैन, गरीब मैन, गरीब गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति किसको कहा गया, ना 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 गरीब नहीं है, बेचारा, हेल्पलेस, असहाय व्यक्ति किसको कहा गया, तो सर असहाय व्यक्ति एम हेमल को कहा गया है, मिस्टर हेमल को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलता हूं, समझिएगा कि सर वाई मतलब क्यों डज द नरेटर, कि भाई साहब नरेटर ने क्यों कॉल बुलाया द फ्रेंच टीचर, फ्रेंच टीचर को एज पुअर मैन। वही बात वापस से आ गया ना कि वाई डज द नरेटर, भाई साहब नरेटर ने पुअर मैन किसको कहा कि सर एम हेमल को कहा। तो फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि नरेटर ने फ्रेंच टीचर जो है, फ्रेंच टीचर, उस फ्रेंच टीचर को पुअर मैन क्यों कहा, वाई, क्या रीजन था। तो भैया समझिएगा क्या रीजन था कि सर ही फील्स सॉरी फॉर द टीचर, कि जो नरेटर है या फिर जो फ्रेंच है, एक तरीके से मैं फ्रेंच कहूंगा, फ्रेंच जो है वो अपने टीचर को क्या फील करता है, सॉरी फील करता है, उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि 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 उसको दुख क्यों होता है, क्योंकि इट वॉज हिज लास्ट लेसन, यह उसका लास्ट लेसन था भाई साहब, फ्रेंच को बड़ा दुख हो रहा था जब टीचर जाने वाले थे, तो बड़ा दुख हो रहा था, तभी लिखा हुआ है ही फील्स सॉरी, वो बड़ा दुख महसूस करता है फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए, एज का मतलब क्योंकि, दुख महसूस करता है क्योंकि इट वॉज इज लास्ट लेसन, जो लेसन तुम्हें पढ़ाया गया था, वो लेसन जो फ्रेंच को पढ़ाया जा रहा था, जो गांव वालों को पढ़ाया जा रहा था, जो पूरी स्कूल को पढ़ाया जा रहा था, वो लास्ट लेसन था। क्लियर है, आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया है, एक बार देखिएगा क्वेश्चन का, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा आसान और सिंपल क्वेश्चन है। बताइए हाउ मेनी इयर्स, भाई साहब कितने साल, हाउ मेनी इयर्स की कितने साल हेड द टीचर, टीचर मतलब एम हेमल साहब, मिस्टर हेमल ने गिवन हिज सर्विस, अपनी सेवाएं दी थी इन द स्कूल, स्कूल में कितने साल तक गुरुजी ने सेवाएं दी थी, कि सर गुरुजी ने तो 40 साल तक सेवाएं दी थी, 40 इयर्स, कितने साल तक, 40 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु मतलब कौन सेट ऑन बैठा हुआ था बैक बेंचेस के ऊपर, पीछे वाली कुर्सियों पर कौन बैठा हुआ था ऑन द लास्ट लेसन, जब लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा था तो उस समय बैक बेंचेस पे कौन बैठे हुए थे, कि सर गांव के लोग बैठे हुए थे, द विलेज पीपल, कौन बैठे हुए थे बेटा, विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे हुए थे। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, चार क्वेश्चन कंप्लीट, पांचवे क्वेश्चन पे चलते हैं। और पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि सर हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, कि सर लास्ट लेसन के राइटर का नाम बताओ, ये रटने पड़ेंगे, ये याद करने पड़ेंगे, क्या नाम था, अल्फोंस डॉटेड, हमने पढ़ा था सर अल्फोंस डॉटेड, Alphonse Dotted हमारे इस लेसन के ऑथर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ दीज ऑर्डर्स, कौन सा ऑर्डर, विच ऑफ दीज ऑर्डर्स, कि सर कौन सा ऑर्डर, कौन सा आदेश हैज कम आया था फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से कौन सा आदेश आया था,
कि सर बर्लिन से तो आदेश आया था कि अब तुमको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तुम्हें तो जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो जो चार ऑप्शन आएंगे उन ऑप्शंस में से हम देख लेंगे जो भी आंसर होगा। अभी हमारे पास में लिखा हुआ है नो फ्रेंच टू बी टॉट, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, मतलब जर्मनी जर्मन पढ़ाई जाएगी। कौन सी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच। कौन सी पढ़ाई जाएगी? जर्मन। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि वाई क्यू डज एम हेमल वॉन्ट, अरे एम हेमल चाहते थे, क्यों चाहते थे स्टूडेंट से कि वो अटेंटिव हो जाए। अटेंटिव का मतलब कंसंट्रेट, अटेंटिव का मतलब ध्यान एकाग्रचित करना, अटेंटिव का मतलब पूरा पूरा ध्यान लगाना। तो भाई साहब अध्यापक महोदय क्यों चाहते थे कि बच्चे पूरा ध्यान लगाए? बच्चे पूरा ध्यान लगाए क्योंकि यह गुरुजी का अंतिम फ्रेंच लेसन था, क्योंकि यह गुरुजी का अंतिम फ्रेंच लेसन था, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि यह गुरुजी का अंतिम फ्रेंच लेसन था। चलता हूं सर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि सर विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंच टू फ्रेंच, अरे फ्रेंच को ओल्ड फ्रेंड्स, फ्रेंच नामक बच्चे को ओल्ड फ्रेंड्स कौन सी चीज लग रही थी? एम हेमल को कौन सी चीज, एम हेमल को कौन सी चीज ओल्ड फ्रेंड्स लग रही थी? कि सर ओल्ड फ्रेंड्स लग रही थी उसको उसकी किताबें, उसको उसकी किताबें, हिज बुक्स। तो हम सर यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा हिज बुक्स। 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9, समझिएगा क्या क्वेश्चन की सर व्हाट ए थंडर क्लैप, बिजली कड़कती है, क्या रियल में बिजली कड़की थी? नहीं सर, जब गुरुजी ने कहा कि बेटा ये मैं जो पाठ पढ़ा रहा हूं ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, कल नए गुरुजी आ जाएंगे तुमको जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो ये शब्द सुनते ही उसके दिमाग में बिजली कड़की, दिमाग में बिजली मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि सर व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए थे, कि विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन, कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अंडरलाइन वर्ड इन द अबव लाइन, ये जो अंडरलाइन किया गया शब्द है, ये जो अंडरलाइन किया गया शब्द है, ये जो अंडरलाइन किया गया शब्द है, इसका मीनिंग बताओ, इसका अर्थ बता दो क्या होता है। तो सर इसका अर्थ होता है भौचक्का हो जाना। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो भौचक्का हो जाना। इंग्लिश में दो शब्द आएंगे, रट लेना भाई साहब, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, रट्टा मार लेना, स्टार्टलिंग अनएक्सपेक्टेड, स्टार्टलिंग अनएक्सपेक्टेड, मेरे साथ में बोलिए स्टार्टलिंग और अनएक्सपेक्टेड, मतलब चौंका देने वाला और अप्रत्याशित। तो वो जो बिजली कड़की ना हमें बताया गया है कि व्हाट अ थंडर क्लैप, तो इसका मतलब क्या होता है, startling and unexpected, startling and unexpected मतलब चौंका देने वाला और अप्रत्याशित। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इन शब्दों का मीनिंग क्या होगा, startling and unexpected। Now the question number 10, which of these moods, मूड बताओ, मूड मिजाज, मूड बताओ फ्रेंच का, जो एक्सप्रेस करता है, जो बताता है, when he was told that, जब उसने कहा था कि it was his last French lesson, जब गुरुजी ने ये कहा कि बेटा ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है, तो फ्रेंच को क्या फील हुआ? तो भाई साहब मुझे तो ऐसे लगता है फ्रेंच तो बहुत ज्यादा तो दुखी हो गया था, है ना, दुखी हो गया था फ्रेंच, और उसको पछतावा भी हो रहा था, अरे यार इतने दिन मैंने क्यों ध्यान नहीं लगाया पढ़ाई के ऊपर, मैं इतने दिन इधर उधर भटक रहा था, मैंने इतने दिन ध्यान क्यों नहीं लगाया, मतलब वो पश्चाताप कर रहा था और दुखी था, पश्चाताप कर रहा था और दुखी था, मतलब रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, रिपेंटिंग का मतलब पश्चाताप और सोरोफुल का मतलब दुखी होना, तो वह रिपेंटिंग और सोरोफुल, बोलो रिपेंटिंग, बोलो, अरे बोल भाई, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, आगे बढ़ूंगा, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई क्यू डज फ्रेंच कॉल हिज टीचर पुअर, वापस से सेम क्वेश्चन, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, फ्रेंच ने अपने टीचर को पुअर क्यों कहा, बेचारा क्यों कहा, क्योंकि गुरुजी क्या हो गए थे,
असहाय। गुरुजी क्या हो गए थे? असहाय, बिकॉज ऑफ हिज हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब असहाय, रट्टा मार लेना। हेल्पलेसनेस असहाय, हेल्पलेसनेस असहाय, हेल्पलेसनेस असहाय। और जिस शब्द के पीछे एन ई डबल एस या एल ई डबल एस लग जाता है ना, वो नाउन होता है। वो क्या होता है? नाउन। चलो सर क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। व्हाट, सॉरी व्हाट डज द वर्ड क्रैंकी, गुरुजी के लिए फ्रेंज ने कौन सा शब्द यूज किया था कि हमारे गुरुजी तो क्रैंकी है, क्रैंकी। और उस क्रैंकी का मतलब क्या होता है? आसानी से गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति क्रैंकी होता है, आसानी से चिढ़ जाने वाला व्यक्ति क्रैंकी होता है, सनकी व्यक्ति क्रैंकी होता है, अजीब सा व्यक्ति क्रैंकी होता है। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब क्या है? तो भैया क्रैंकी का मतलब होता है पीवीस, ये वर्ड्स रटने पड़ेंगे। पीवीस का मतलब चिड़चिड़ा। पूछा जा सकता है इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी एक शब्द। पीवीस इजीली इरिटेट, इरिटेट इरिटेट मतलब चिढ़ जाना, और एनोइड मतलब नाराज हो जाने वाला या फिर चिढ़ जाने वाला। तीनों का अर्थ चिढ़ना, नाराज होना, गुस्से में होना, ऐसे मान सकते हैं आप। तो पीवीस इरिटेड एनोइड, बोलो पीवीस इरिटेड एनोइड, पीवीस इरिटेड एनोइड, पीवीस इरिटेड एनोइड, पीवीस इरिटेड एनोइड। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं क्वेश्चन नंबर 13 में चलूं? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट हैड बीन अ टर्बल फ्रेंच फॉर ए व्हाइल। ओ ओ ओ फ्रेंच लड़का, छोटा लड़का। टर्बल समस्या, अ व्हाइल कुछ समय पहले, कुछ समय पहले तक कौन सी ऐसी चीज थी जो फ्रेंच को ट्रबल लगती थी, समस्या लगती थी? ऐसी कौन सी चीज थी जो फ्रेंच को कुछ समय तक बहुत ज्यादा तकलीफ देती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में ला देती थी, बहुत ज्यादा ट्रबल फुल थी? वो कौन सी ऐसी चीज थी जो उसको ज्यादा दुखी करती थी? किताबें, हिज बुक्स, उसकी कौन सी मतलब किताबें उसको बहुत बेकार लगती थी। व्हाट हैड बीन अ ट्रबल फ्रेंच फॉर ए व्हाइल, तो सर किताबें। क्वेश्चन नंबर 14। माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड जो मुझे लगती है सच ए रिक्त स्थान ए वाइल एगो। कुछ समय पहले तक मुझे मेरी किताबें क्या लगती थी? एक वर्ड आया यहाँ पे तुम्हारे पाठ में, शब्द लिखा हुआ था न्यूनसेंस, बाधा। न्यूनसेंस का मतलब एक तरीके से बाधा, अड़चन। किताबें उसको क्या लगती थी? बाधा। किताबें उसको क्या लगती थी? अड़चन। और अब क्या लगती है? ओल्ड फ्रेंड्स, ऐसा। तो सर न्यूनसेंस की स्पेलिंग याद करना, एन यू आई एस एन सी, एन यू आई एस ए एन सी, न्यूनसेंस, एन यू आई एस ए एन सी लिखो, एन यू आई एस ए एन सी, एन यू आई एस ए एन सी, न्यूनसेंस। न्यूनसेंस का मतलब क्या हो गया बेटा? बाधा। 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द वर्ड ड्रेड। भाई साहब ड्रेड का मीनिंग बताओ, तुमसे पूछा जाएगा। तीन मीनिंग है ड्रेड के। ड्रेड मतलब डर, ड्रेड का मतलब डर, लेकिन तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मीन ऑफ द ड्रेड। अरे भाई साहब ड्रेड का मीनिंग बताओ, तो सर ड्रेड के तीन मीनिंग है। ड्रेड के कितने मीनिंग है? तीन। फियर मतलब डरना, लिख लो, फियर मतलब डरना। एप्रीहेंसिव एक तरीके से डरना से जैसे रिलेटेड वर्ड है, ओ का मतलब भी डरना। तो व्हाट डज द वर्ड ड्रेड मीन, अरे ड्रेड का मीनिंग क्या बताया गया? तो सर ड्रेड का मीनिंग है फियर, apprehensive और ओ। इसको लिखना बेटा मेरे साथ में, लिखो अभी F E A R, fear, fear मतलब डरना। लिखो F E A R, fear, fear मतलब डरना, F E A R, fear, fear मतलब डरना। O A W E O, O मतलब भी एक तरीके से डरना ही कहलाता है ना, डरना ही कहलाता है। जो हिंदी में लिखा हो ना, भय, आशंकित या विस्मय, इन तीनों का अर्थ डर ही है। ओ, अब आगे एक वर्ड आ रहा है apprehensive, लिखो A डबल P R E, ए डबल पी आर ई एप्री, बोलो ए डबल पी आर ई एप्री, एप्री एप्री एप्री, इसके तीन टुकड़े कर लो, एप्री, फिर लिखो हैन, एच ई एन हैन, और फिर लिखो सिव, एस आई वी, एप्रीहेंसिव 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 एप्रीहेंसिव। तो भैया ड्रेड का क्या मीनिंग बताया? कि सर ड्रेड का मतलब फियर, ड्रेड का मतलब एप्रीहेंसिव, और ड्रेड का मतलब ओ A W E, इसका मतलब क्या होता है? डर होता है, विस्मय होता है, आशंकित होता है, ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ बेटा। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के अनुसार हाउ वॉज द डे, दिन कैसा बताया गया था पाठ में? लेखक के अनुसार पाठ में लेसन में दिन कैसा बताया गया था? सर वार्म एंड ब्राइट। कैसा दिन था? वार्म एंड ब्राइट। कैसा दिन था? वार्म एंड ब्राइट। कैसा दिन था बेटा? वार्म एंड
ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्वेश्चन है कि सर आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी। अब ये रिक्त स्थान का क्वेश्चन आ गया। आई मतलब फ्रेंज है, स्टार्टेड मतलब उसने शुरू करा, फॉर स्कूल मतलब स्कूल जाने के लिए। उस दिन जब वो स्कूल जा रहा था तो क्या हो गया था, लेट हो गया था सर, क्या हो गया था, लेट। क्वेश्चन नंबर 18, द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे कहां, वुड्स जंगल के किनारे पर। किनारे को क्या बोला गया था, किनारे को क्या बोला गया था, ई से स्पेलिंग स्टार्ट थी, ई से स्पेलिंग स्टार्ट थी, किनारे को एज बोला गया था, ई डी जी ई एज, एज का मतलब क्या था, किनारा। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ बेटा, वेयर वॉज द क्राउड गेदर्ड, अरे भीड़ इकट्ठा थी ना जब फ्रेंज जा रहा था, टाउन हॉल के पास से बुलेटिन बोर्ड था, वहां पर भीड़ इकट्ठा थी सर, वहां पर भीड़ इकट्ठा थी, तो इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेलेंटी, तुमसे पूछा जा सकता है पेलेंटी का मतलब क्या होता है, सर पेलेंटी का मतलब होता है ए लॉट ऑफ, बहुत सारा, या फिर इनफ, ई एन ओ यू जी एच, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ब्लेक स्मिथ वॉचर याद है, ब्लेक स्मिथ वॉचर ने क्या कहा था, अरे बच्चे मजाक, उसकी मजाक बनाते हुए, अरे बच्चे बहुत टाइम है, इनफ, इनफ टाइम है, पेलेंटी ऑफ, पेलेंटी ऑफ का मतलब इनफ टाइम होना, कितना टाइम होना, इनफ टाइम होना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई वाज देयर ए ह्यूज क्राउड, वेयर मतलब व्हाई मतलब क्यों, देयर ए ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बताओ रे, बुलेटिन बोर्ड के सामने, उस नोटिस बोर्ड के सामने, उस टाउन हॉल के आसपास भीड़ इकट्ठा क्यों हो रखी थी, कारण क्यों हो रखी थी, तीन कारण है, तीन चार कारण है। बर्लिन से ऑर्डर आया था, एक तो कि अब लास्ट लेसन है, मतलब फ्रेंच तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तुम्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी, ऐसा ऐसा कुछ, यही तो था, भीड़ क्यों इकट्ठा थी, कारण ही पूछा जा रहा है, क्यों भीड़ इकट्ठा थी, तो भाई साहब ड्यू टू बैड न्यूज, क्योंकि वहां पर एक बुरी खबर आई हुई थी इसलिए भीड़ इकट्ठा थी, वहां पर बुरी खबर आई हुई थी इसलिए भीड़ इकट्ठा थी, पहला कारण। दूसरा, ड्यू टू ऑर्डर ऑफ बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया था, बर्लिन से आदेश आया था क्या, कि तुम युद्ध हार गए हो, अब तुम्हें क्या पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, ना ना ना, तुम्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ये दूसरा कारण। तीसरा, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, अब तुम्हें नई भाषा पढ़ाई जाएगी, तो ये तीन कारण। अब इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग कई कई एग्जाम्स में, ऑप्शन वाले। और पांच नंबर का क्वेश्चन बनता है एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन, मैं एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अभी नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े क्वेश्चन, ये वीडियो छोटे क्वेश्चंस का है, अगला वीडियो बड़े क्वेश्चंस का आएगा, फिर हम चलेंगे एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन में। इस प्रकार से पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम द लास्ट लेसन है। ओके, ड्यू टू बैड न्यूज, बैड न्यूज की वजह से बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी, बर्लिन से ऑर्डर आया था इसलिए भीड़ इकट्ठा थी, और नई भाषा का इंट्रोडक्शन बताया गया था कि अब तुम्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी, इसलिए भीड़ इकट्ठा थी। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द स्पीकर, इस पार्ट में स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, फ्रेंच है, बोलने वाला कौन है कि सर फ्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ सर, वेयर डिड फ्रेंच रीच आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ को क्या बोला गया, पेंटिंग, पी ए एन टी आई एन जी, पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब हापना, कि वेयर मतलब कहां, फ्रेंज, फ्रेंज हापता हुआ कहां पहुंचा, फ्रेंज हापता हुआ कहां पहुंचा, कि सर फ्रेंज उसके लिटिल गार्डन में, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल के लिटिल गार्डन में। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लिटिल गार्डन का मतलब क्या है, लिटिल गार्डन का मतलब होता है एम हेमल का घर, और उसी घर में उसने अपनी स्कूल बना रखी है, और जिस कमरे में वो बच्चों को पढ़ाता है उसके ऊपर उसकी सिस्टर रहती है, वो खुद रहता है, और जब लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा था तो याद करो उसकी सिस्टर ऊपर ट्रंक्स, ट्रंक्स थे ना, ट्रंक्स बॉक्स, उन बॉक्स को क्या कर रही थी, वो बॉक्स को क्या कर रही थी, बॉक्स में सामान इकट्ठा कर रही थी, पैकिंग कर रही थी, वो वाला। तो एम हेमल के लिटिल गार्डन में वो हाँपते हुए पहुंचा, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब पेंटिंग, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब पेंटिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द रीडिंग द बुलेटिन, बताओ पाठ में बुलेटिन कौन पढ़ रहा था, अपने लास्ट लेसन में बुलेटिन कौन पढ़ रहा था, नोटिस बोर्ड पर जो खबर आ रही थी उसको कौन पढ़ रहा था, ब्लेक स्मिथ पढ़ रहा था सर। अच्छा, ब्लेक स्मिथ का नाम क्या है, वॉचर,
ब्लेक स्मिथ का नाम क्या बताया गया? वॉचर बताया गया। नाउ द 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड क्रेंकी बिहेवियर। ओ ओ ओ, तुमसे क्रेंकी पूछा गया था, गुरुजी क्रेंकी है, तो क्रेंकी का मीनिंग क्या बताया था? क्रेंकी का मीनिंग क्या बताया सर? क्रेंकी का मतलब गुरुजी स्ट्रेंज से थे, है ना, झक्की थे, इसेंट्रिक थे, ठीक है, अजीब से थे, ऐसा आया था ना वो वाला, कि व्हाट मेड हिम फॉरगेट, क्या चीज उसने भुला दी अबाउट एम हेमल के रूलर और क्रेंकी बिहेवियर को, मतलब गुरुजी के डंडा, आयरन का डंडा था गुरुजी के पास में, उसको भुला दिया एम इसने, फ्रेंज ने, गुरुजी का बिहेवियर क्रेंकी बिहेवियर था, कभी भी गुस्से में हो जाते थे, चिढ़ जाते थे, पढ़ाया था ना इरिटेट हो जाना, पीवीस हो जाना, इरिटेट, पीवीस, एनोइड, ये तीन शब्द पढ़ाए अभी अभी, कौन कौन से बोलो, पीवीश, इरिटेड, एनोइड, गुरुजी ऐसे थे, क्रेंकी, ये सारी की सारी चीजें वो भूल गया। ऐसा क्या हुआ कि वो सारी की सारी चीजें भूल गया? ऐसा क्या हुआ कि सारी की सारी चीजें भूल गया? जैसे उसको पता चला ना कि अब गुरुजी जाने वाले हैं, जैसे उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि गुरुजी जाने वाले हैं, गुरुजी की सारी बातें वो भूल गया। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि अब गुरुजी गोइंग अवे, अब गुरुजी जाने वाले हैं, इस वजह से उसने सारी की सारी चीजें भुला दी। क्वेश्चन नंबर 26 आइए, विच लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एम हेमल, भैया एम हेमल के अनुसार, मिस्टर हेमल के अनुसार, मिस्टर हेमल के अनुसार वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे सुंदर और सबसे लॉजिक वाली लैंग्वेज कौन सी है? सबसे सुंदर और सबसे लॉजिक वाली लैंग्वेज कौन सी बताई गई है? उसने कौन सी भाषा का ज्यादा वर्णन किया? फ्रेंच। कौन सी भाषा? फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर, कहां पर हेड ऑल द बेड न्यूज कम फ्रॉम, कहां से सारी की सारी बेड न्यूज, कहां से सारी की सारी बेड न्यूज आ रही थी? लास्ट टू इयर्स, पिछले दो सालों से कहां से बेड न्यूज आ रही थी? वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था ना, तो वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, नोटिस बोर्ड, वहां से आ रही थी। कहां से? बुलेटिन बोर्ड से। कहां से आ रही थी बुरी खबरें? बुलेटिन बोर्ड से। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द ब्लेक स्मिथ से टू फ्रेंच, अच्छा ब्लेक स्मिथ ने फ्रेंच को क्या कहा था? ब्लेक स्मिथ ने फ्रेंच को क्या कहा था? ब्लेक स्मिथ ने फ्रेंच को कहा था, अरे मेरे बच्चे जल्दी मत चल, इनफ टाइम है तेरे पास में, प्लेंटी ऑफ टाइम है। क्या कहा था? बहुत समय है, जल्दी मत कर, नॉट गो फास्ट, ज्यादा तेज मत जा, नॉट गो सो फास्ट, जल्दी मत जा, नॉट गो सो फास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैज एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल का लिटिल गार्डन क्या था? हैज बीन रेफर्ड, लिटल जो उसका गार्डन है उसको किसके लिए रेफर किया गया है इन दिस एक्सट्रैक्ट, बताओ भाई साहब, इस लेसन में लिटिल गार्डन का मतलब पूछा जा रहा है। वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है यार, लिटिल गार्डन का मीनिंग बताओ। एम हेमल का जो लिटिल गार्डन था, उस लिटिल गार्डन का मतलब स्कूल है कि घर है? कि सर पहली बार पढ़ते हैं तो स्कूल लगता है, लेकिन जैसे 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 पार्ट पढ़ते हैं तो फिर पता भी चलता है कि सर वो तो उसका घर भी था, वो ही उसका घर था एक तरीके से, 40 साल सेवाएं दी थी गुरुजी ने, तो सर वो घर भी है और वो स्कूल भी है, वो घर भी है वो स्कूल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज मींस अप्रेंटाइस, ये लो, वॉचर के साथ में कौन थे? अप्रेंटाइस। वॉचर के साथ में कौन आए थे? अप्रेंटाइस। अप्रेंटाइस का मतलब नो सीख या नए नए सीखने वाले, अपरिपक्व बच्चे, हेल्पर। वॉचर के साथ, वॉचर किन के साथ खड़ा था? His apprentice, और apprentice का meaning तुमसे पूछा जा रहा है, important question, what is the meaning of the apprentice? Sir, apprentice का मतलब होता है amateur, apprentice का मतलब क्या होता है? amateur, apprentice का मतलब क्या होता है बेटा? amateur, clear है बात, समझ में आ गई? apprentice का मतलब क्या हो गया? amateur, याद कर लेना इस word को, amateur, अपरिपक्व, no see किया, नए नए, novice, N-O-V-I-C-E, novice, या तो एमेच्योर लिखा हुआ आएगा या फिर नोविस लिखा हुआ आएगा या फिर हेल्पर, HELPER, इन तीन शब्दों में से कुछ भी आ सकता है, एमेच्योर, नोविस और हेल्पर। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, वो 31 क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैंने पढ़ाने की कोशिश की है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एक्सट्रैक्ट लेवल पर। कौन से लेवल पर? एक्सट्रैक्ट लेवल पर, जो 5 नंबर का बनता है आंसर। व्हाट वॉज द मोटिव ऑफ द ब्लेक स्मिथ, बताओ ब्लेक स्मिथ ने फ्रेंच को कहा था टू नॉट गो सो फास्ट, मेरे बच्चे इतनी तेज मत जा, ये बात बोलने का मतलब क्या था? इसका मतलब वो फ्रेंच की क्या उड़ा रहा था? हंसी, ऐसा फ्रेंच ने हमें बताया।
फ्रेंड ने चलते चलते ही सोचा था ना कि ये मेरा क्या बना रहा है, मेक ऑफ फन, मेक ऑफ फन, मेरा फन बना रहा है, मेरा मजाक बना रहा है। इसका मतलब टू रिडिक्यूल फ्रेंड, टू रिडिक्यूल फ्रेंड, ये याद कर लेना। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ, मजाक बनाना। क्या बनाना? मजाक बनाना। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? मजाक बनाना। तो मुझे जरूर से बताइएगा, ये क्वेश्चन आंसर का पहला वीडियो है, अब इसके बाद में दूसरा वीडियो आएगा जल्दी ही, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हें एक्सट्रैक्ट के लेवल पर। कौन से लेवल पर? एक्सट्रैक्ट के लेवल पर। क्लास कैसी लगी ये जरूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को, सभी बच्चों को बताइएगा, क्योंकि ये जो लेसन है ये राजस्थान बोर्ड में भी है, एमपी बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी है, चारों तरफ ये लेसन आपको देखने को मिलेगा और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विदा लेना चाहूंगा इतना ही बोलकर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।